हमारे पास अडोबी फोटोशॉप के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी मौजूद होते हैं जो डायरेक्टली तो कुछ नहीं करते लेकिन हमारे वर्क फ्लो में हमें बहुत ज्यादा काम आते हैं ऐसा ही एक फीचर मैं आप लोगों को इस लेसन में बताने जा रहा हूं इस फीचर का नाम है अलाइनमेंट दोस्तों अलाइनमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को प्लेस करना यानी कि किसी भी चीज की कोई प्लेसमेंट फर्ज कर लीजिए कि आप कोई एक ऐसा विजुअल uh, क्रिएट कर रहे हैं या कोई ऐसी पी एस टी पे काम कर रहे हैं जिसमें आपके पास मल्टीपल शेप्स मौजूद हैं और आप उनको किसी खास तरीके से एक दूसरे के साथ प्लेस करना चाहते हैं अलाइन करना चाहते हैं तो आप कहाँ जाएंगे दोस्तों आप फोटोशॉप के अंदर अलाइनमेंट का सहारा लेंगे इस काम के लिए तो चले चलते हैं फोटोशॉप की तरफ और मैं आपको समझाता हूँ कि आपने लेयर्स को फोटोशॉप में अलाइन किस तरह से करना है दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने मैंने यहाँ पे एक पी जो है वो क्रिएट करके रखी हुई है आपके सामने इस वक्त अवेलेबल है जी कुछ छोटी सी रेक्टेंगल्स मैंने बनाई हैं और ये एक रेक्टेंगल बना के उसको मैंने डुप्लीकेट कर दिया है और उसका साइज जो है वो मैंने चेंज कर दिया है अच्छा दोस्तों आप देखते हैं कि अलाइनमेंट हमारे पास फोटोशॉप में कहाँ पे मौजूद है और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने काम के लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा कि मैंने ये जो पाँच छः शेप्स क्रिएट की हुई हैं इनके डिफरेंट लेयर्स जो मेरे पास मौजूद हैं इनको मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करूंगा इकट्ठा मैं रिपीट करता हूं मैं ये किस तरह से करूंगा मिसाल के तौर पे मैं एक लेयर के ऊपर आया मैंने क्लिक किया और अब मैं शिफ्ट होल्ड करके यहाँ पे जो मेरी सबसे ऊपर वाली लेयर है इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें आप देख सकते हैं कि ये मेरी तमाम की तमाम लेयर्स हैं ये आपस में इकट्ठी एक साथ ही सेलेक्ट हो गई हैं अच्छा आप यहाँ पे अगर आए तो ये देखें जैसे ही यहाँ पे ये तमाम लेयर्स इकट्ठे सेलेक्ट होती हैं यहाँ पे ये आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाती हैं दोस्तों ये ऑप्शन हैं जी लेयर्स की अलाइनमेंट वाली ऑप्शन मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये कुछ ऐसी शेप्स क्रिएट हुई हुई हैं जैसे कि इस वक्त मैंने आपके सामने क्रिएट करके रखी हुई हैं और ये जो शेप्स हैं ये अगर हॉरिजॉन्टली मौजूद हैं तो जनाबी अली आप ये वाली जो ऑप्शंस हैं इनकी मदद से आके इनको एक दूसरे के साथ अलाइन कर सकते हैं कैसे अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूं तो ये देखें ये जो मेरी तमाम शेप्स हैं ये लेफ्ट अलाइन हो गई हैं मैं कंट्रोल ऑल जी करता हूं यानी कि अंडू करता हूं अगर इसी तरह से मैं यहां पे क्लिक करूं तो ये देखें ये मेरी तमाम शेप्स राइट अलाइन हो गई हैं इसी तरह से अगर मैं ये सेंटर वाला जो बटन है इसको क्लिक करूँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये मेरी तमाम शेप्स जो हैं ये सेंट्रल अलाइन हो गई हैं एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक दूसरे के सेंटर में प्लेस हो गई हैं अच्छा अब मैं क्या करता हूँ मैं कंट्रोल टी के साथ यानी कि ट्रांसफॉर्म के साथ इनकी जो ऑरियंटेशन है वो चेंज करता हूँ अब मैंने इनको यहाँ पे इस तरह से दूसरी सूरत में प्लेस कर लिया अच्छा जी दो एक बात यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है अलाइनमेंट के लिए वो ये कि आप किसी भी लेयर्स को अलाइन करना चाहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेयर्स को या चाहे एक लेयर को अलाइनमेंट आपके सामने सिर्फ तब आएगी उस सूरत में आएगी कि आप यहाँ पर अपने मूव टूल के अंदर मौजूद हों। जैसे ही आप मूव टूल पे आएंगे यहाँ पे आपके पास अलाइनमेंट की ऑप्शन खुद ब खुद ही आ जाएगी तो चलें आप ये देखते हैं जी कि हमने वर्टिकली किसी भी चीज को किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरह से अलाइन करना होता है तो सबसे पहले मैं क्लिक करता हूँ ये हमारे पास जो लेफ्ट वाला बटन है ये लिखा हुआ आ रहा है जी अलाइन टॉप एजेस यानी कि ये देखें तमाम शेप्स टॉप के ऊपर जो है वो अलाइन हो गई हैं इसी तरह से अगर मैं ये राइट वाले बटन पर क्लिक करूँ लिखा हुआ आ रहा है अलाइन बॉटम एजेस अगर आप गौर करें तो आपको इसमें कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे आप जैसे किसी भी ऑप्शन के ऊपर आएंगे तो लिखा हुआ आएगा कि ये ऑप्शन क्या करने जा रही है ये देखें अगर मैं इनको थोड़ा सा कंट्रोल टी की मदद से अपने विजुअल के अंदर ले हूँ कैनवस के तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो बॉटम है ये इनका आपस में अलाइन हो चुका हुआ है मैं इनको थोड़ा सा कंट्रोल टी की मदद से छोटा कर रहा हूँ क्योंकि पहले तो हॉर्जोंटली ये पूरी आ रही थी वर्टिकली थोड़ा सा आ रही है अच्छा जी अब यहाँ पे आके अगर हम सेंट्रल जो बटन है इसको क्लिक करते हैं इस वाले पैनल में इस वाले पोर्शन में तो ये देखें ये अलाइन वर्टिकली हो रही है यानी के वर्टिकली इनका जो सेंटर है वो अलाइन हो गया तो दोस्तों ये आप लोगों ने देखा कि आप किस तरह से डिफरेंट लेयर्स को जो है वो आपस में अलाइन कर सकते हैं इन लेयर्स के अंदर आपके पास शेप्स भी हो सकती हैं आपके पास विजुअल्स भी हो सकते हैं कुछ भी हो सकता है तो आप इस तरीके से किसी भी जो लेयर्स को आप आपस में अलाइन कर सकते हैं अच्छा यहाँ पे एक और ऑप्शन नज़र आ रही है जिसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगा मैं यहाँ से एक विजुअल जो है वो यहाँ पे ड्रैग करूँगा आपके पास ये मेरे पास एक विजुअल हुआ है ठीक है मैं क्या करता हूँ कि मैं कंट्रोल एन करता हूँ कंट्रोल एन करके यहाँ पे मैं जो है वो विड्थ जो है वो मैं ले रहा हूँ इसकी ट्वेल्व और हाइट इसकी ले रहा हूँ जी एट मैं इसकी रख रहा हूँ पोर्ट्रेट और मैं क्रिएट पे जाता हूँ अब इस विजुअल को मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ड्रैग और इसको अब मैं ट्रांसफॉर्म की मदद से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं इस विजुअल को कंट्रोल जे कंट्रोल जे आपको पता है डुप्लीकेट लेयर की कमांड है कंट्रोल जे की मदद से मैं यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और मैं इसको स्कैटर करके डिफरेंट जगहों पे आपके इस कैनवस पे डिफरेंट जगहों पे प्लेस कर देता हूँ अब हम करेंगे क्या मैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से शेप्स की लेयर पे मैंने किया था ये पहले हमारे पास यहाँ पे वेक्टर वाली लेयर थी अब हमारे पास यहाँ पे विजुअल वाली लेयर है यानी कि पिक्चर वाली लेयर है अब मैं इसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले किया था यहाँ पे आके सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ इन तीनों लेयर्स को जो है वो मैं चूज करता हूँ अब मैं यहाँ पे आके दोस्तों वर्टिकली और हॉर्जोंटली इनको मैं सेंट्रलाइज करता हूँ ये जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन के ऑप्शन मौजूद है ये दोस्तों वो ऑप्शन है जिसकी मदद मतलब से आप स्पेसिंग जो है उसको आप चेक कर सकते हैं तो इस वक्त हमारे पास हमारी ये जो तीनों पिक्चर्स थी इनकी आपस की स्पेसिंग भी बिल्कुल ठीक है और इनका जो हॉर्जोंटली डिस्टेंस है वो भी सही है और हॉर्जोंटली ये अलाइन भी एक दूसरे के बिल्कुल साथ हो गई हैं इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आके क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं कि ये गायब हो गई है गायब नहीं हुई बेसिकली ये क्या हुआ है कि ये एक दूसरे के साथ वर्टिकली अलाइन हो गई हैं इसलिए आपको एकदम जो है वो गायब होती है दिखाई दी थी दोस्तों आप फोटोशॉप के अंदर जब कोई भी डिजाइन बनाएंगे तो आपको चाहे टेक्स के साथ वर्किंग करनी हो विजुअल्स के साथ करनी हो या किसी इलस्ट्रेशन या कार्टून करेक्टर के साथ वर्किंग करनी हो आप इसी अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाली ऑप्शन के साथ ना सिर्फ अपने वे, अपने विजुअल्स को और अपनी जो ऑब्जेक्ट्स हैं अपनी जो लेयर्स हैं उनको अलाइन कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ प्लेस कर सकते हैं बल्कि आप उनकी स्पेसिंग को भी मैनेज कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अलाइनमेंट की समझ में आ गई होगी और अब आपके लिए लेयर्स को अलाइन करना कोई ज्यादा बड़ा मसला नहीं रहेगा तो आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है जी अलाइनमेंट की इन शाह तला आने वाले लेसन में किसी नई टेक्निक या फोटोशॉप के किसी नए टूल के साथ मुलाकात होगी